जो है एक मुकाबला अपना और जीते और सीरीज जीते। आजकल जो पूजा पाठ हो रही है वो हमारे खिलाड़ियों को, वो तो खिलाड़ी भी पूजा पाठ कर रहे हैं, केएल राहुल, उमेश यादव, कल जरूरत पड़ेगी आपको इस पूजा पाठ की, क्योंकि सीरीज जो है एक एक से बराबर हो चुकी है और बल्लेबाजों को ज्यादा जरूरत है क्योंकि कर लीजिए पूजा पाठ। मैं कहूंगा गेंदबाजों ने फिर भी किया है, बल्लेबाज जो हैं वो थोड़े बहुत निराश कर रहे हैं। चेन्नई में मुकाबला होने वाला है, पूजा पाठ तो आप कर लो, कर लो पूजा पाठ, ठीक है, नवरात्रि का दिन है और पूरा हिंदुस्तान पूजा पाठ कर रहा होगा, लेकिन पूजा पाठ करके आप अपनी टीम को जिताएंगे और आपको पूजा पाठ एक सीरीज जीतने के लिए करनी पड़ रही है तो वर्ल्ड कप में क्या करेंगे, रोज भजन करेंगे क्या, यज्ञ करेंगे ना, महायज्ञ करेंगे, महायज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। आप देख लो अनिल सर, जब वर्ल्ड कप आता है आसपास ना, तो जब खिलाड़ी व्यस्त होते हैं तो खिलाड़ियों के अलावा मस्त हो जाते हैं, उनके बजाय लोग करने लगते हैं यज्ञ टीम के लिए। नहीं ठीक है ना, लेकिन आपको सीखना तो पड़ेगा कि मिचेल स्टार्क को फेस कैसे करना है। वो तो कह रहे हैं क्योंकि हर गेंद कह रही है कि मैं विकेट लूंगी। आप खेल के दिखाओ, बच के दिखाओ। खैर नहीं, बात तो आपने सही बोली है कि एक मिचेल स्टार्क गेंदबाजी से, एक मिचेल मार्श बल्लेबाजी से, दो मिचेल आपको मचल के मचला मसल के रख मसल के रख दे रहे हैं, मसल के रख देंगे मिचेल, मसल के रख देंगे मिचेल, मिचेल स्क्वायर। खैर मिचेल मिचेल, चेन्नई में मुकाबला है तीसरा ओडीआई, ये मैच जो जीतेगा वो सीरीज ले जाएगा। खैर ये तो एक बात है कि यार चलो सीरीज बचाना है, सीरीज जीतना है, लेकिन असली बात ये है कि आपकी तैयारियां कहां पर टिकी हैं और आप इस मैच को जीत के भी क्या क्या चीजें, किस मतलब वो होता है ना बॉक्स टिक कर रहे हो, टिक करेंगे, गेंदबाजी, बल्लेबाजी, टॉप ऑर्डर का रन बनाना, टॉप ऑर्डर का फेल होना, ये सब लंबे समय से चल रहा है। ठीक है, कुछ कुछ खिलाड़ियों ने रन बनाए हैं लेकिन अभी भी कुछ कुछ खिलाड़ियों पर निगाहें हैं, तो हम आरंभ किया जाए, आरंभ कीजिए एक्सचेंज 22। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए डाउनलोड करिए और हम लोग अपने अपने बाय और सेल का ऑप्शन करके खरीद फरोख्त की, खरीद फरोख्त के लिए अपने अपने चॉइसेस बताते हैं, बताइए। और चूंकि मुकाबला इंपॉर्टेंट है, बड़ा मुकाबला, इसलिए बड़े खिलाड़ियों के साथ साथ आपको बड़ा जिगर भी दिखाना है, तो अनुज शुरू करते हैं। इंडिया से अगर आप तीन बाय किसको करेंगे? शुभमन गिल। शुभमन गिल रन नहीं है उनके इस सीरीज में, अब फिर आप किसका नाम ले सकते हैं ऐसे में ये बताओ ना आप। अगर आप सेल करना चाहें तो सेल भी कर सकते नहीं, ये आपकी आपकी मर्जी है, ठीक है, बाय करने वाली बात होती है इंडिया से, खिलाड़ी परफॉर्म करेगा तो उसको बाय, इंडिया से तीन खिलाड़ी, कोई खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करेगा तो उसको सेल कर दीजिए आप। इंडिया से तीन खिलाड़ी, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, और चेन्नई में मुकाबला है तो कुलदीप यादव, कुलदीप यादव, मतलब दो बाय करूंगा और एक बल्लेबाज, मतलब आप भी बल्लेबाजों पे भरोसा कम ही दिखा रहे हैं, हालांकि उम्मीदें तो इन्हीं से हैं रन बनाने की, बॉलिंग तो इंडिया की खराब नहीं है। हाँ बिल्कुल, अब आप अगर 117-120 रन देंगे तो बॉलर्स भी क्या ही बोलेंगे, कितना ही बचा लेंगे, उसमें गेंदबाजों की मतलब कोई गलती मानता ही नहीं। 117 रन अगर आपने बोर्ड पे दिए हैं तो भाई बल्लेबाज तो ये आता है ना कि चलो यार कैसी भी गेंद हो हम अटैक ही करेंगे, उनके दिमाग नहीं, 11 ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी कर लेते, 20 ओवर तक ले, हाँ और क्या, मैक्सिमम। ऑस्ट्रेलिया से दोनों मिचेल, दोनों मिचेल, ठीक है, ट्रेविस हेड, ट्रेविस हेड, मतलब ऊपर के दो बल्लेबाज और एक गेंदबाज, इतना ही काफी है, मतलब अब तीन तीन ऑप्शन है क्योंकि आप एक्सचेंज 22 में है ना, आप एक प्लेयर को कई बार बाय कर सकते हैं और कई सारे प्लेयर्स को भी आप एक एक बार भी बाय कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो ऐसा है। आपके लिए आप बताइए, अगर इंडिया से अगर तीन खिलाड़ी जिन पे नजर रहेगी जिनको आप बाय करना चाहेंगे, इंडिया से पहले ऑस्ट्रेलिया, बताइए ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, बताइए बताइए, चेन्नई भले चेन्नई में मुकाबला है, चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड से लेके मेलबर्न से, आपको उनका खेमा ज्यादा पसंद आ रहा है, आपको चेन्नई में उस तरह की शायद पेस विकेट ना मिले मिचेल स्टार्क को, उस तरह का डजंट मैटर एट ऑल, जो आप बंदा आपके दो मैचेस में दिमाग में घुसा हुआ है ना वो चीज, और ऐसा तो है नहीं कि उनके कलाइयों से गेंद अंदर आना बंद हो जाएगी, तो सबसे पहले भाई मिचेल स्टार्क, ठीक है, दूसरा मिचेल मार्श, बिल्कुल, जो फोड़ रहे हैं, और तीसरा मैं उनकी तरफ से एक बंदे को खरीदूंगा बेचने के लिए, वो है लबुशेन, मेरे स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं बैठ, मानस लबुशेन को सेल कर रहे हैं, सेल करने, ठीक है, और अपनी तरफ से नीचे से शुरुआत करते हैं, शुरुआत मोहम्मद शमी, मुंबई में क्या गेंदबाजी की थी उन्होंने, रविंद्र जडेजा वाइड खिलाड़ियों में से हैं जिनके 50 रन से ऊपर हैं इस सीरीज में इंडिया की तरफ से, और तीसरे होंगे हमारे
ये देखते हुए कि अनुभव है उनके पास, भले ओपनिंग करने आते हैं, वो अगर भारत ने कल जीतना है तो मिचेल मार्श को का जो वेनम है ना उसको कम करने का काम जल्दी रोहित शर्मा को करना होगा। तो रोहित शर्मा को मैं बाय करूंगा, रविंद्र जडेजा को बाय करूंगा एंड शमी। आप बताइए। अच्छा, आप लोगों को एक चीज और बता दें कि एक्सचेंज 22 में एक नई चीज आई है जिसमें आप किसी एक खिलाड़ी को पूरी सीरीज के लिए बाय और सेल कर सकते हैं। सपोज करिए आपको, अभी तो ये सीरीज आखिरी मुकाबला है, लेकिन अगर कोई सीरीज शुरू होती है, नया दौर स्टार्ट होता है, तो उसमें आप एक खिलाड़ी को शुरुआत में ही बाय और सेल कर सकते हैं पूरी सीरीज के लिए। आप बाकी पिक एंड बाय और सेल करिए, लेकिन पूरी सीरीज के भी कुछ खिलाड़ियों को बाय और सेल कर सकते हैं। तो अभी आ जाते हैं इस पे, बाय और सेल पे। मेरे लिए अगर इंडिया से मैं बात करूं, शुभमन गिल, आपने सही कहा, क्योंकि दो फेलियर हो चुके हैं उनके, और जिस तरह की फॉर्म थी उनकी इस सीरीज में आने से पहले, मुझे लगता है कि एक इनिंग ड्यू है उनसे, तो शुभमन गिल होंगे। और मैं विराट कोहली को भी बाय करूंगा। इसके अलावा गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज, और मोहम्मद सिराज को मैंने पिछले मैच में सीरीज के लिए भी बाय किया था, तो मोहम्मद सिराज भी हो गए। तीन मेरे बाय ये हो जाते हैं। अगर सेल करने की बात है तो मैं सेल करूंगा किसी एक स्पिनर को सेल करूंगा मैं, लेकिन चेन्नई की विकेट है यार, सेल नहीं कर सकते। चेन्नई की विकेट पे मैं एक लोअर ऑर्डर बैट्समैन में आप किसी को भी ले लीजिए, अगर टॉप थ्री छोड़ दें तो मैं एक खिलाड़ी को सेल करूंगा। अक्षर पटेल, अक्षर पटेल, हाँ अक्षर पटेल को सेल कर लेते हैं, क्योंकि गेंदबाजी उनकी उतनी यूज नहीं होनी है और बल्लेबाजी में शायद उनकी तक बैटिंग जाए नहीं, तो अक्षर पटेल को मैं सेल करूंगा। बैटिंग जाएगी भी तो कोई साथ ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया से अगर सेल की बात करें तो मानस लभूषण, अनिल सर ने भी वही सेम मेरी चॉइस लिया, मानस लभूषण। पता नहीं, मुझे लग रहा पिछले मैच में कैच उन्होंने जबरदस्त लिया था, मैं एक इनिंग ड्यू है उनकी, बट जिस तरह से वो, पता नहीं अजीब से ही मानस लभूषण देखे, इस तरह से मैंने देखा नहीं पूरे दौरे पे, पूरे दौरे पे टेस्ट सीरीज हो, देखते हैं कि कल का मैच किसके तरफ करवट खाता है। करवट तो इंडिया की तरफ खाना चाहिए। फिलहाल अभी देखा जाए इस सीरीज में तो ऑस्ट्रेलिया वाकई बेहतर खेली है। पहले मैच में भी इंडिया ने मैच जीता जरूर था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया लड़ा था, और दूसरे मैच में तो उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं आपके लिए। बोलते हैं ना कि जिसको आखिरी मौका समझ के खेलना, तो आखिरी मौका समझ के खेल लेगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए, वर्ल्ड कप से पहले उनके एक सीरीज यहाँ पे फिर से होगी, लेकिन कितने मैच होंगे? तीन मैचेस वहाँ पे भी होंगे, उन्होंने पता नहीं, था आपको तैयारियां तो शुरू करनी होंगी ना, वो तो exactly. आपका ड्रेस रिहर्सल टाइप का हो जाएगा exactly. अभी आपके पास तैयारी का वक्त है, इसलिए जितने भी मतलब आपको जो भी देखना सुनना था, जानना पहचानना था आपने, और ये भी है, आप ऑलमोस्ट अपने पूरे कोर के साथ खेल रहे हो जो वर्ल्ड कप की जो पिक्चर है, लेकिन वो नहीं खेल रहे हैं इसके बावजूद। हाँ, इसके बावजूद अभी भी खिलाड़ी ऐसे हैं तहलका मचा रहे, वापस आएंगे बिल्कुल। तो उन्होंने मौके का पूरा यूटिलाइज किया है, उनको पता है कि भाई बार बार इंडिया का दौरा नहीं होगा और वर्ल्ड कप यहाँ पे होना है, लेट्स जितना कर सकते हैं उतना करें। तो वही है कि जय भाई, मैंने और अनिल सर ने बड़ा जिगर दिखाया है, अपने अपने पिक्स जो हैं, अपने अपने खिलाड़ी जो बाय करने हैं सेल करने हैं वो बता दिए। आप भी कर सकते हैं, इस वीडियो में लिंक है एक्सचेंज 22 का, क्लिक करें, डाउनलोड करें और करें प्लेयर्स को बाय, और अगर लगता है सेल करना है तो सेल करें, क्योंकि ये है स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट, बड़ा मुनाफा होगा। बाय और सेल करके, मतलब बाय करने के साथ साथ सेल करके भी मुनाफा कमा सकते हैं, जितने ज्यादा शेयर खरीदेंगे उतने ज्यादा आपका मुनाफा। तो पता नहीं, भरोसा नहीं है ना कि आपकी टीम मुनाफा देगी कि नहीं देगी, लेकिन कुछ खिलाड़ी तो आपको दे देंगे, यही तो कुछ खिलाड़ी जो, यही तो खासियत है ना अनिल सर, कि आप बाय और सेल दोनों करके मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप सेल करके भी मुनाफा कमा सकते हैं। तो मैच का नतीजा जो भी निकले, आप अपना मुनाफा जरूर देखिए, और मिलते हैं मैच की कवरेज के साथ।